certain scheme of investment in simple interest declares that it trebles the amount in 8 years. If you want to quadruple your money through the same scheme, you will have to invest it for, देखिए क्या है, let's say 100 rupees है, 100 rupees 8 years में कितने में convert हो जाते हैं, triple यानी 300. तो 300 मतलब क्या हो गया, ये 100 rupees टूटे principal plus interest और ये है amount. Principal 100 रुपये तो खुद ही है, interest कितना है 200 rupees, मतलब 200 rupees की earning होती है 8 years में. इसको लिख दूं, it means 200 rupees earning in 8 years. तो 100 rupees की earning in 4 years. अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 100 to quadruple करना है. Quadruple का मतलब total कितना हो जाना चाहिए, amount हो जाना चाहिए 400 रुपए, अमाउंट हो जाना चाहिए 400 रुपये. ये प्रिंसिपल है हमारा, तो ये क्या होगा, इसको लिखा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये है ऑलरेडी, इंटरेस्ट कितना हो गया 300 रुपये, ठीक है ना. तो मुझे 200 रुपीज़ कमाने में 8 इयर्स लगते हैं, 100 रुपीज़ कमाने में 4 इयर्स लगते हैं, तो 300 कमाने में 12 इयर्स लगेंगे. क्लियरली, तो आंसर क्या आ गया, इट विल टेक 12 years to earn an interest of rupees 300. Therefore, 12 years is the answer. Option 4. ठीक है, देखो वैसे बिल्कुल verbal question है. बिल्कुल verbal कैसे है, 100 रुपये convert हुए 300 रुपये में, कितने साल में, 8 साल में. 8 साल में कमाई कितनी हुई 200 रुपये. 100 रुपये को 400 में कन्वर्ट करना है तो कमाना कितना है 300 रुपये. 200 रुपये कमाने में 8 साल, 100 रुपये कमाने में 4 साल, 300 रुपये कमाने में 12 साल. देखते ही आंसर आ जाएगा अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आती होगी तो.